Okay, so as I say, there are some we hear, like, we know that, right? Sky, the stars are there in the sky over the night, right? What if I say, like, you might see the stars on this surface as well, maybe aquatic or like on this on the terrestrial or anything? So that is possible. Okay, and we call them star fishes. We call them star fishes, Asterias. Another name is Asterias for them. Okay, so they live inside the water. So we and they come under the phylum. They come under the phylum Echinodermata. The phylum is considered to be as Echinodermata. Echinodermata. Now, we'll understand brief about them. But Echino. तो पहले हम समझते हैं why do we call them Echinodermata? Because Echinodermata का मतलब होता है, Echino means spiny. Spiny मतलब कांटे होते हैं, कांटे होते हैं, कांटे, कांटे जानते हैं ना सभी, कांटे, thorns, thorns, कांटे, है ना? और dermata मतलब skin, मतलब उनके skin में spines निकले रहते हैं, spines. We all know that. Guys, did you get that? Okay, I'm audible, right? Okay, perfect. So they have the echino, okay? Echines मतलब spiny, spiny मतलब कांटे, और dermata मतलब skin. उनके skin में spines होते हैं, that is why the name is given as echinodermata. That is why the name is given as echinodermata. Now you can see here, spiny skin, skin और spiny exoskeleton. Exo मतलब outer, outer skeleton, outer. We will call it outer, okay? बाहर की तरफ से ये देख सकते हो ना आप, ये देख सकते हो छोटे-छोटे ये दिख रहे हैं. ये these are the spines here. These are the spines that the echinodermatas have. Okay. And also the another way to under get this. यहाँ पे देखिए, अगर if we just zoom this, ये देखिए दिख रहा है ये आपको, ये these are the spines here. ये zoom करने के बाद दिख रहे हैं, ये देखिए दिख रहे हैं, right? These are the spines here. Because spine क्या होता है, they help these in movement. इन देयर मूवमेंट मतलब ये बने होते हैं, कैल्सरस स्पाइन बोलते हैं इनको, कैलकेरस स्पाइन बोलते हैं, कैलकेरियस स्पाइन बोलते हैं, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, इसलिए इनको कैल्शियस कैलकेरियस स्पाइन बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं. एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड, दे इनको समटाइम ऑसिकल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑसिकल. वी समटाइम वी आल्सो कॉल देम ऑसिकल्स, ऑसिकल्स भी बोलते हैं इन्हें. ऑसिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, वंस अगेन लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग. ऑसिकल्स, ऑसिकल्स, प्लेट, प्लेट मतलब इनको बोलते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज ऑसिकल्स का मतलब होता है यहाँ पे दे प्रोवाइड रिजिडिटी, थोड़ा हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड, रिजी डिटी प्रोवाइड कराते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर एक मिलता है, रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है इनको, ठीक है? इसकी वजह से ये जो इनकी बाहर की स्किन है ना, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो, इसके लिए इनमें कैल्शियम कार्बोनेट्स बने होते हैं, और ऑसिकल्स प्लेट्स कहते हैं उनको, ये रिजिडिटी कहलाते हैं. दे आर नॉट पॉइजनस, दे आर नॉट पॉइजनस, यस दे आर नॉट पॉइजनस, ओके या बट डेफिनेटली दे हेल्प टू कैच द प्रे. These spines help the catch the prey. मतलब their exoskeleton, exoskeleton जो है इनका, वो किससे बना हुआ है? Calcareous, calcareous spine या फिर ossicle से बना हुआ है, याद रखना है, ठीक है? तो calcareous spines are present on the body of these animals, because hence they are called as echinoderms. Echinoderms मतलब spines present है, उनकी body में spine present है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, third point आता है हमारा. These are so पहली mainly एक और बात कहते हैं, they are mainly found in ocean, they are mainly और mainly नहीं, हाँ सारे के सारे, these are found only in ocean, ocean I would say, these are found only in ocean I would say, found only in ocean, सिर्फ और सिर्फ ओशन में ही पाए जाते हैं ये सारे के सारे, सिर्फ और सिर्फ ओशन में ही पाए जाते हैं. एंड देयर दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए उनमें तीनों ही लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसीलिए हम उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, बिकॉज देयर इंटायर बॉडी इज ऑल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी. नाउ ये सिलोमेट होते हैं, प्योर सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं, दीज आर द ट्रू सिलोमेट्स, इनमें सिलोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर ट्रू सिलोमेट्स, ओके, दे आर ट्रू सिलोमेट्स.
एंड दे आर रेडिली सिमेट्रिकल. एक और देख लीजिए, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे ये स्पाइन दिख रहा है ना आपको, स्पाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, स्पाइन दिख रहा है, व्हाइट कलर की स्पाइन दिख रहा है यहाँ पे, राइट. दीज आर द स्पाइन्स, कैलकेरियस स्पाइन्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, जिससे इनको प्रोटेक्शन बनता है. सो इनकी बॉडी में पूरा ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. सो दे आर कंसिडर टू बी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट रिमेंबर, दे आर फाउंड ओनली इन द ओशियन, दे आर फाउंड ओनली इन द ओशियन, दे आर फाउंड ओनली इन द ओशियन. Now, another point, they are radially symmetrical. अगर हम उन्हें सेंटर एक्सिस से कट करें, अगर इमेजिनरी एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से अगर हम उन्हें डिवाइड करें, so we will find them radially symmetrical. We will find them radially symmetrical. So this is the third point. Just remember guys, one important point, when they are in the larva stage, when they are forming, they show the bilateral symmetry also, bilateral symmetry, otherwise they are radially symmetrical. मतलब कि bilateral मतलब equal left and right, two equal halves मिलेगा, radially symmetrical मतलब कि अगर radius central axis अगर हमें imaginary line से cut करेंगे तो two equal halves मिलेंगे. So they are radially symmetrical, but at larva stage they are bilateral symmetrical. Okay, bilateral symmetry. Okay, perfect. Let's go ahead. Now, they perform locomotion, मतलब movement. Locomotion मतलब यहाँ पे movement से relation, कि उनकी body move कैसे करती है. So, with the help of tube feet. Tube feet का मतलब क्या होता है? ये tube canals होते हैं. So, इनमें एक system होता है, कहते हैं, उसको कहते हैं water vascular system. वॉटर वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं उसको, वॉटर वेस्कुलर सिस्टम. कैसे? हमारी वेस्कुलर का मतलब होता है जो ट्यूब्स होते हैं बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में वॉटर ब्लड फ्लो करता है वीन्स और आर्टरीज के थ्रू, राइट. तो वैसे उनमें वेस्कुलर जो सिस्टम होता है वो वॉटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, बिकॉज उनके पूरी बॉडी में वॉटर ही फ्लो करता है. सो देयर बॉडी फंक्शंस ओनली बेस्ड ऑन वॉटर. वॉटर हर चीज के लिए उनकी बॉडी में वॉटर चाहिए, इनकी बॉडी में हर चीज के लिए, बिकॉज दे आर फाउंड मेनली इन वॉटर, दे आर फाउंड मेनली इन वॉटर. सो दे नीड वॉटर फॉर एवरी फंक्शन टू परफॉर्म इन देयर बॉडी. शी इज सेइंग स्टार फिश मीडिया हैव माउथ, स्टार फिश हैज अ माउथ. यू कैन नॉट डायरेक्टली से माउथ, बट डेफिनेटली उनके में मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक फिक्स नहीं होता है, मतलब ऐसा होता है इसलिए हेड नहीं पता चलता, दे डू नॉट हैव अ हेड, हेड नहीं पता चलता उनके. हाँ, सकार बोल सकते हैं. इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लार्वा दे परफॉर्म बायलेटरल सिमेट्री, आफ्टर दे परफॉर्म रेडियल सिमेट्री. यस यस यस, जब बायलेटरल से मतलब कह सकते हो अमित, कंप्लीटली करेक्ट है कि इनिशियल लार्वा की स्टेज में बायलेटरल होता है, जब वो डेवलप हो जाते हैं तब वो रेडियल हो जाते हैं. आ जाते हैं हम इस तरफ, आ जाते हैं. ट्यूब फीड होते हैं, ट्यूब फीट होते हैं. ट्यूब फीट ऑल्सो हेल्प यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे एंड सम एनिमल्स आर सेडेंटरी. सेडेंटरी मतलब नो मूवमेंट, सेडेंटरी मतलब नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट है ही नहीं बॉडी में, देयर इज नो मूवमेंट. ओके, वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन. तो जस्ट रिमेंबर, उनकी ये ट्यूब कैनाल्स हुए और ये कहलाता है उनका ट्यूब फीट कहलाता है. ये जो हिस्सा ना ये जो निकल के आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब फीट. उनके मतलब कि उनके में ट्यूब के जैसे उनके पैर होते हैं, जो वाटर को, वाटर उनकी बॉडी से पूरा पास होता है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, दे कैन मूव इजिली. ओके, एंड दैट इज सो देयर बॉडी इज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन वाटर वेस्कुलर सिस्टम. उनकी पूरी बॉडी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही वर्क करता है. ओके, नाउ देयर स्केलेटन, अभी हमने बात कर लिया है, देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइंस, ऑसिकल से बना होता है स्केलेटन. याद रखिएगा, उनमें एक्सोस्केलेटन भी होता है, एक्सोस्केलेटन भी अलग है, स्केलेटन जो बाहर से है, दैट इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पाइंस. कैलकेरियस स्पाइंस मतलब कि कांटों से रहता है, बाहर कांटे होते, कांटे जैसे उनमें उनकी बॉडी में निकला होता है, जो उनको हेल्प करता है मूव करने में और प्रे को कैच करने में. ओके, now these animals are mostly unisexual, these animals are mostly unisexual. ये mostly क्या होते हैं? Unisexual होते हैं, और मतलब कि या तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे या तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे. एक सेकेंड, so far we have covered their body is calcareous, इसके spine होता है उनकी बॉडी में, right? Their body has the calcareous spine here. Just a second. हाँ,
आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली. हाँ, कैलकेरियस स्पाइन होता है, आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, दे आर फाउंड मेनली इन द ओशियन. कैन यू ऑल सी दिस, दे आर फाउंड मेनली इन द ओशियन. ओके, देयर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, वी अंडरस्टूड देयर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, कैन यू ऑल सी दिस, और शुड आई जूम इट, जूम इट, जूम इन मोर. ओके, आई थिंक यू कैन सी दिस राइट. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर यूज ट्रू सेलोमेट्स, दे आर रेडली सिमेट्रिकल. एडल्ट एडल्ट स्टेज में बनते हैं, क्योंकि लार्वा स्टेज में क्या होते हैं, एट इन लार्वा स्टेज दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बस ऐसे ही अभी के लिए समझ लीजिए. ठीक है, नाउ यहाँ पे और देख लीजिए, दे परफॉर्म लोकोमोशन, मतलब कि मूवमेंट, आई विल राइट इट हियर, मूवमेंट कैसे चल पाते हैं, कैसे चल पाते हैं, वो चल पाते हैं ट्यूब फीट की वजह से. ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ट्यूब फीट है, ये ट्यूब फीट है यहाँ पे. ठीक है, दीज आर द ट्यूब फीट, इनकी वजह से दे आर एबल टू मूव बिकॉज ऑफ दीज, बिकॉज ऑफ ट्यूब फीट. ये जो यहाँ पे ट्यूब फीट दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ट्यूब फीट, ये ट्यूब फीट की वजह से मूव कर पाते हैं. ओके, और इन्हीं को ही, ये इनका जो स्केलेटन है, जो बॉडी है इनका, किससे बना होता है, कैलकेरियस स्पाइन से बना होता है, स्पाइक्स होते हैं इनकी बॉडी में, और ये इन्हें ऑसिकल्स भी कहा जाता है. ऑसिकल्स सेम है वही जो उनकी बॉडी में एक रिजिड स्ट्रक्चर जो इम्बेडेड है. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सी अर्चिन की तरह ये स्पाइंस है, ये स्पाइंस दिख रहे हैं ना आपको. कैन यू ऑल सी द स्पाइंस हियर, स्पाइंस हियर. ओके, दीज आर द स्पाइंस आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. ओके, दीज आर द स्पाइंस, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. These animals have good ability of regeneration. अपनी बॉडी को regenerate कर लेते हैं. They have the good ability of regeneration. Okay? और याद रखिएगा, ये spines इन्हें prey से बचाते हैं, to protect from the prey. और capture करने के लिए भी prey को help करते हैं. याद रखिएगा, sorry, prey कहता हूँ. Predator से बचाते हैं और prey को capture करने के लिए होते हैं. ठीक है? ये cucumber shape का दिखाई देता है, इसलिए हम sea cucumber कहते हैं. खीरे की तरह दिखाई देता है, खीरा जैसा होता है ना, cucumber. They are mostly unisexual. मतलब या तो इधर द मेल गैमीट और द फीमेल गैमीट, याद रखिएगा, मेल गैमीट और दे प्रोड्यूस द मेल गैमीट और द फीमेल गैमीट, याद रखिएगा. ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल स्टार फिश, सी अर्चिन, बिटल स्टार, सी क्यूकम्बर. सी अर्चिन याद रखिएगा, ये क्या होता है कि पहले तो इनके मतलब कि ये स्पाइंस निकले होते हैं इनकी बॉडी में, बहुत ज्यादा स्पाइंस, मतलब कि स्पाइक्स, थॉर्न्स, जो कांटे होते हैं, वो कांटे निकले होते हैं इनकी बॉडी में. ओके, सो आर वी क्लियर टिल हियर? आगे सुन में सभी को, I will take the doubts if anyone has. So they perform with the help of water vascular system. Water vascular system, उनकी body में हर function, कोई भी नाम लीजिए आप उनकी body में, water vascular system के through ही perform होता है. Okay? So जो their tube feet है, that has transport vascular system, respiration and locomotion, movement में help करता है, backward or forward move करने. Very good, Amit, completely सही आपने correct बोला है. They have two, exoskeleton और endoskeleton. Exoskeleton जो बाहर वाला हिस्सा है, जो आपका calcareous spine से बना होता है, और endoskeleton. तो दोनों तरीके का skeleton उनकी body में present होता है. We are not gonna study too deep in that, but अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ. So I hope this is clear. Quickly let me know. I will take the doubts now.